हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बनाएंगे दही कढ़ी के साथ आलू पकोड़ा। ये जो कढ़ी है ना, ये बहुत ही टेस्टी है और इसे हम देसी घी में आज छोंक लगाएंगे। तो आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। अगर रेसिपी अच्छा लगेगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए और साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। तो दही कढ़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 3 बड़े चम्मच दही। ये कम से कम 250 ग्राम से 300 ग्राम दही होगा। और ये कढ़ी बनाने के लिए हम थोड़ा खट्टा दही चाहिए, तो इसलिए हमारा दही जो है थोड़ा सा खट्टा है। और अभी मैं इसमें डाल देता हूँ ये 3 बड़े चम्मच बेसन। तो अभी हम पहले दही और बेसन को अच्छे से मिक्स कर देंगे, एकदम स्मूथ पेस्ट बनाएंगे। अभी पानी हम ऐड नहीं करेंगे। और अभी थोड़ा सा हल्दी पाउडर मैं इसमें डाल देता हूँ और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे दही के साथ। और अभी मैं इसमें पानी डाल रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसे मिक्स करेंगे। तो मैंने यहाँ पर लिया है जो पानी का क्वांटिटी है, ये 700 ml पानी मैंने लिया है। और ये सारे पानी इसमें डाल के मैं अच्छा से मिक्स कर दूंगा। और आप और पानी चाहिए तो ऐड कर सकते हैं। और अभी हम इसके लिए थोड़ा सा मसाला बनाएंगे। इसमें मैं डाल देता हूँ 1 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल। और इसमें आधा छोटा चम्मच धनिया डाल रहा हूँ। और ये आधा छोटा चम्मच जीरा। और थोड़ा सा मेथी डाल रहा हूँ। और ये थोड़ा सा हींग। और इसे हम थोड़ा सा भून लेते हैं। भूनने से क्या होता है कि इसका जो फ्लेवर है ना, बहुत ही बढ़िया आता है। और इसमें डाल देता हूँ 1 मीडियम साइज का प्याज, इसे मैंने स्लाइस काट के डाला है। और थोड़ा सा भून लेते हैं इसे थोड़ा सा ब्राउन आने तक। और अभी मैं इसमें डाल देता हूँ आधा छोटा चम्मच अदरक, ये मैंने बारीक काट के डाला है। और 1 छोटे चम्मच लहसुन डाला है, इसे भी मैंने बारीक काट लिया है। और इसे हम प्याज के साथ अच्छा से थोड़ा भून लेते हैं। और इसमें मैं डाल देता हूँ ये हरी मिर्ची, ये आधा छोटा चम्मच डाल रहा हूँ। आप चाहिए तो थोड़ा स्पाइसी चाहिए तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा इसे भून लेंगे। और इसमें डाल रहा हूँ थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर। और इसे भी हम प्याज के साथ थोड़ा सा भून लेते हैं। और अभी गैस को हम मीडियम लो फ्लेम में रखेंगे। और अभी हमने जो मिला के रखे थे ना दही और बेसन, इसे भी हम डाल देते हैं। और डालते ही हम इसे चलाते रहेंगे कंटिन्यू, जब तक हमारा एक उबाल नहीं आ जाता। तो अभी हम गैस को एकदम लो फ्लेम में रखेंगे और कंटिन्यू इसे चलाते रहेंगे जब तक हमारा ये एक उबाल नहीं आ जाता। इसमें क्या होता है कि आपका जो दही है ना, वो फटता नहीं है, एकदम बिल्कुल सेफ रहता है। तो देखिए हमारा जो दही है एक उबाल आ चुका है। तो अभी इसे हम 10 से 15 मिनट के लिए ढक्कन लगा के हम इसे बॉईल करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है आपका कढ़ी में। तो चलिए शुरू करते हैं अभी पकौड़ा बनाने का रेसिपी। अभी मैंने लिया है 1 बड़े साइज का प्याज, इसे मैंने चॉप काट लिया है। और 1 मीडियम साइज का आलू भी लिया है, उसे भी मैंने चॉप काट लिया है। और थोड़ा सा करी लीव्स डाला है उसमें। और ये बेसन डाल रहा हूँ 3 से 4 बड़े चम्मच। अगर एक्स्ट्रा चाहिए तो आप इसमें भी और थोड़ा ऐड कर सकते हैं। और थोड़ा सा सॉल्ट में ऐड कर रहा हूँ इसमें, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, और ये थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर, अजवाइन डाल रहा हूँ थोड़ा सा, और जीरा भी डाल रहा हूँ इसमें। और ये जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 छोटा चम्मच डाल रहा हूँ। और थोड़ा सा रिफाइंड तेल। और थोड़ा सा मैं डाल रहा हूँ बेकिंग सोडा। और फाइनली इसमें मैं डाल रहा हूँ ये कटा हुआ धनिया। और आप चाहिए तो इसमें पालक भी ऐड कर सकते हैं, उसमें बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है पकौड़ी में। तो अभी ये सारे मसाला को अच्छा से हम मिक्स कर देते हैं। अभी हम इसमें पानी बिल्कुल ऐड नहीं करेंगे। और अभी हमको और थोड़ा बेसन चाहिए, इसलिए मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ और 2 बड़े चम्मच। और अभी थोड़ा सा हम इसमें पानी स्प्रिंकल करते हैं, ज़्यादा नहीं, हल्का सा पानी डाल के हम इसे मिक्स कर देते हैं। ज़्यादा पानी डालने से क्या होता है कि हमारा जो पकौड़ा है ना, वो क्रिस्पी नहीं बनता है। तो इसलिए हम थोड़ा सा इस मतलब हल्का पानी डाल के हमें इसे अच्छा से मिक्स कर देना है। देखिए हमारा ये रेडी है, अभी हम इसे फ्राई कर लेते हैं। तो हमारा ऑयल जो है गर्म है, ऑयल को आप ज़्यादा मत गर्म कीजिए, नहीं तो हमारा जो पकौड़ा है ना वो ठीक से नहीं बनेगा। इसलिए आपको मीडियम टेम्परेचर में रखिए, हमको छोटा छोटा करके फ्राई कर लेना है। इसे हम 1.5 से 2 मिनट के लिए हम इसे फ्राई करेंगे मीडियम टेम्परेचर में। देखिए हमने इस तरह से छोटा छोटा डाल दिया है। और इसे बीच में थोड़ा सा चलाएंगे, ऊपर नीचे इसे कर देंगे ताकि हमारा जो पकौड़ा है बराबर फ्राई हो जाए। देखिए हमारा जो पकौड़ा रेडी हो गया है, लगभग 1.5 से 2 मिनट हो गया है। अभी हम इसे निकाल लेते हैं और जो बाकी बचा है हम इस तरह से फ्राई कर लेंगे। देखिए हमारा जो पकौड़ा है कितना क्रिस्पी और बढ़िया दिख रहा है। अभी हम इसे एक स्टेनर में रख देंगे, इसका एक्स्ट्रा जो ऑयल है वो भी निकल जाएगा। और पकौड़ा देखिए हमारा कितना बढ़िया दिख रहा है। और हमारा कढ़ी भी 10 से 15 मिनट हो चुका है।
और देखिए हमारा जो कड़ी है थोड़ा गाढ़ा भी दिख रहा है, मतलब बढ़िया से बॉयल हो गया है। और अभी हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। नमक मैंने पहले इसलिए नहीं डाला क्योंकि हमारा जो दही है ना वो फटने का चांसेस है, तो इसलिए मैंने इसको अभी डाल रहा हूँ। और इसमें हम ऐड कर देते हैं ये पकौड़ा। और अभी हम गैस का फ्लेम जो है एकदम लो में रखेंगे और सारे पकौड़े को हम ऐसे मिक्स कर देंगे कड़ी के साथ। और इसे हम ज़्यादा देर तक और बॉयल नहीं करेंगे, बस इसमें एक बढ़िया सा छोंक लगाएंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पर डाल रहा हूँ 2 बड़े चम्मच देसी घी। बस इसे सिर्फ हमको अच्छा से गर्म कर लेना है। एकदम बढ़िया से गर्म हो गया है देखिए। और इसमें हम कोई भी मसाला ऐड नहीं करेंगे, बस 1 छोटे चम्मच रेड चिली पाउडर लेके अच्छा से मिक्स कर देंगे इसमें। ये जो काम है ना एकदम जल्दी करना पड़ेगा, नहीं तो ये जल जाएगा तो हमारा टेस्ट है ना पूरा बिगड़ जाएगा। तो इसलिए तुरंत ये करके हम इसे अच्छा से मिक्स कर देना है। देखिए फाइनली हमारा जो कड़ी है ये बनकर रेडी है। बस इसमें थोड़ा सा हम फाइनली इसमें जो धनिया पत्ता है ना वो ऐड कर देंगे। बस आप ज़रूर इसे एक बार ट्राई करके देखिए, आपको बहुत ही बढ़िया लगेगा। इसका टेस्ट जो बहुत ही बढ़िया आता है, क्योंकि देसी घी में जो छोंक लगाया ना उसका जो टेस्ट है ना बहुत बढ़िया आता है। आप ज़रूर ट्राई करिए। अगर रेसिपी अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, साथ साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं और एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।